हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंस्टाग्राम के बिजनेस अकाउंट को परमानेंटली कैसे रिमूव करें। तो चलिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, केवल एक चुटकी के अंदर आप अपने इंस्टाग्राम से बिजनेस अकाउंट को लात मार के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए, मैंने अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लिया है। अब आपको आ जाना अपने प्रोफाइल में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो अकाउंट है वो अभी बिजनेस अकाउंट में है। ओके, तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए क्या करना है, सबसे ऊपर आपको तीन लाइन दिख रही है, तीन लाइन पर आपको क्लिक करना है। अभी ये सेटिंग काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है, तो यहाँ पर इसी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला है सेटिंग एंड प्राइवेसी का, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। अब जैसे आप लोग इसमें आएंगे, तो पहले क्या होता था, नीचे आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाता था स्विच टू पर्सनल अकाउंट या फिर रिमूव बिजनेस अकाउंट, ये ऑप्शन मिल जाता था। लेकिन अभी इसका जो सेटिंग है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया और काफ़ी सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम बन गया है। तो यहाँ पर आपको नीचे एक सेटिंग मिल रही होगी फॉर प्रोफेशनल। ओके, यहाँ पर देखिए बिजनेस टूल एंड कंट्रोल, ये आपको ऑप्शन मिल रहा है। ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट में ऑलरेडी कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए, मेरा जो अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिला है, तो आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर टैप कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए, आपके बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग है, सारी सेटिंग यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा स्विच अकाउंट टाइप। ओके, तो आपको क्या करना है, इस पर एक बार टैप कर लेना है। अब देखिए नीचे आपको दो ऑप्शन मिल गए हैं, स्विच टू पर्सनल अकाउंट, स्विच टू क्रिएटर अकाउंट। तो आपको यहाँ स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप लोग स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ बता रहा है जब आप अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट पर स्विच कर लेंगे, तो आपके पास से जितना भी प्रोफेशनल डैशबोर्ड का जो भी फीचर होगा सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो आपको कोई भी परवाह नहीं करनी है, सीधे यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर बता रहा है स्विच्ड टू पर्सनल अकाउंट, और देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन था ना बिजनेस अकाउंट का, वो परमानेंटली हट चुका है। मतलब कि अब हमारा जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ये मेरा प्रोफाइल, और देखिए यहाँ पर जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन था वो परमानेंटली हट चुका है। यानी कि अब हमारा अकाउंट एकदम नॉर्मल हो चुका है, ना ही प्रोफेशनल मोड ना ही बिजनेस मोड। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।